हेलो, हम आज खड़े हैं गांधी चौक पर, जहां पर आज देखो मई महीने में जो वो इतनी बारिश हो रही है। हमने पहले सुना था कि हाँ, अपने मम्मी पापा से सुना था कि मई मंथ में भी बारिश जो है वो होती थी, पर इस पर पहली बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे, बहुत सालों बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है। देखो, स्कूल के बच्चे जो है वो भीगते हुए जा रहे हैं, किस तरह से बच्चे और जो भी बूढ़े हैं वो किस तरह से खुद को ढक रहे हैं। देखिए किस तरह से गर्मी से राहत मिली है और मौसम जो है बहुत ही लुभावना हो गया है। और हमारे साथ हैं पंकज जी, आइए हम जानते हैं उनसे कि उनको ये मौसम कैसा लग रहा है। मौसम से बहुत ही राहत मिली है। कुछ सालों से, 15-20 सालों से ऐसा मौसम देखने को नहीं मिला था, और मिड मई में ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है और गर्मी से काफ़ी राहत है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस मौसम में उनको कैसा लग रहा है और किस तरह से वो इस मौसम का जो है वो मज़ा ले रहे हैं। देखिए, मौसम आज सुबह से ही आसमान पे बादल थे और अब दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई, तो काफ़ी जो गर्मी थी उससे राहत मिली है। मैं आपको ये भी बताऊँ एक बात कि इस बार जो मौसम में काफ़ी बदलाव आया, जो कि बड़े सालों बाद हुआ है ऐसा। तो ये ऐसी इस तरह की बातें हम अक्सर अपने घर वालों से सुनते थे कि मौसम कुछ साल पहले अच्छा हुआ करता, गर्मी नहीं हुआ करती थी हिमाचल में। और खासकर हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी चेंजिंग हुई है मौसम, जैसे आपने दिखाया अभी कि बारिश काफ़ी हो रही थी। तो ये जो मौसम है काफ़ी बढ़िया है सबके लिए, इवन जो गर्मी से जो राहत मिली है लोगों को, और लोग काफ़ी मज़ा ले रहे हैं इस मौसम का। मैं भी काफ़ी लुत्फ उठा रहा हूँ। सही बात कही है कि मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया है। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और कितना लुभावना मौसम है। और मुझे लग रहा है कि अगर 2-3 दिन तक ऐसे ही बारिश चलती रही तो जो यहाँ का हिमाचल का मौसम है बहुत बहुत ही अच्छा हो जाएगा। गर्मियों में भी सर्दी का मज़ा लेंगे लोग।